हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशीट टू. ठीक है, इनवर्स वेरिएशन. लास्ट चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन स्टडी किए थे. अभी इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या पढ़े थे, क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन में? रिलेशन एक्स इज इक्वल टू के वाई. इफ़ वी कैन फाइंड के, देन एक्स एंड वाई आर इन द डायरेक्ट वेरिएशन. मतलब क्या हुआ कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. ठीक है, यहाँ पे देखो, इस पे देखो, एग्जांपल पे यहाँ पे क्या था, 8 है. फिर यहाँ पे क्या हुआ, 32 इंक्रीज हुआ वैल्यू. इसका मतलब क्या है, 5 है, y की वैल्यू इंक्रीज हुई है. इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. बाई चांस क्या होता, x का वैल्यू क्या होता, डिक्रीज होता, तो y का वैल्यू भी क्या होता, डिक्रीज होता. तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक्स एंड वाई कांस्टेंट रहता है, मतलब के कांस्टेंट रहेगा. अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. और इसी के अपोजिट इनवर्स वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन के अपोजिट है. बाय चांस एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा. इनवर्स में तो यही होता है ना, अपोजिट. इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज इन वन कॉज करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर एंड वाइज वर्सा, देन सच अ वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. इसका मतलब क्या रहा है, टू क्वान्टिटीज हैं एक्स एंड वाई. ठीक है, अब इनमें क्या रिलेशनशिप है, अगर एक्स है वो इंक्रीज हो रहा है तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा. एज इट इज़ अगर वाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. इसको क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, अब इसको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. एक एग्जाम्पल अब देखो, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6. इफ 52 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट द सेम वर्क. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 मैन जो है वो 35 डेज में वर्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं, देन हाउ मैनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट द सेम वर्क. अब देखो, 52 मैन जो है वो 35 डेज में कंप्लीट करें, 28 क्या है, 52 से कम है, यानी कि अभी वाई की वैल्यू क्या हो रही है, 28 मैन. इसको अगर हम लोग एक्स लेते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है, ये क्या गया एक्स और ये वाई. अगर एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है. अब सॉल्व करके देख लेते हैं. नंबर ऑफ मैन स्टार्टिंग में क्या था, 52, इसको हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, 28 डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब डेज क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, 35 डेज है तो यहाँ पे वैल्यू 35 के कंपेयर में ज़्यादा होना चाहिए. अब देखो यहाँ लिखे क्लियरली, एज द नंबर ऑफ मैन डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज. अगर मैन डिक्रीज हो रहे तो वर्क क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये कौन सा केस है, इनवर्स वेरिएशन. अब देखो लास्ट वाले में, डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते थे, जब इस फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन लिखते थे तो क्या करते थे, एक्स एंड वाई को डिवाइड करते थे और फिर इन दोनों को डिवाइड करते थे. लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई, तो 52 इंटू क्या आ जाएगा, 35, 28 इंटू एक्स. ठीक है, अब क्या किया, 28 को ट्रांसफ़र किया तो डिवाइड में चला गया. अब डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 65. ठीक है, 28 मैन विल डू वर्क इन 65 डेज. इसका मतलब क्या है, 28 मैन जो है वो 65 डेज में कंप्लीट करेंगे. देखो एक्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो गई है. ओके, अब क्या है, इसी टाइप से अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते. एग्जांपल नंबर 7. इन अ कैंप देयर इज इनफ प्रोविजन ऑफ 500 स्टूडेंट्स फॉर 30 डेज. इफ 100 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द कैंप फॉर हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट नाउ. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, कैंप में हम लोग 500 स्टूडेंट को 30 डेज के लिए प्रिविजन मतलब सुधारने के लिए रखे हुए हैं. ठीक है, इफ 100 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द कैंप. अब क्या बोला, 500 स्टूडेंट तो ऑलरेडी हैं, अब इसमें अगर हम लोग 100 मोर स्टूडेंट यानी कि और ऐड कर लेते हैं तो 500 में 100 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 600. तो 600 स्टूडेंट कैंप में अब हो गए. फॉर हाउ मैनी डेज विल द प्रिविजन लास्ट नाउ, तो कितने स्टूडेंट सॉरी कितने दिन का प्रिविजन होगा, अब हम लोग को डे फाइंड करना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ द डेज, अभी डेज मालूम नहीं तो एक्स ले लिए हैं. ठीक है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितने थे 500, नेक्स्ट में क्या हो गए 600। तो अभी देखो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो y का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, 30 है यानी कि लेस हो जाएगा। अभी वी नोट दैट मोर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट द लेस विल बी द नंबर ऑफ द डेज द प्रिविजन विल लास्ट फोर। ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन का केस है। अब देखो बताई थी डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते थे, इन दोनों को डिवाइड करते थे, लेकिन इनवर्स वेरिएशन में इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू 30, 600 इंटू एक्स, ठीक है। 600 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 100 6 जा 600, 100 5 जा 500 हो गया। अब क्या करें, 6 5 जा 30, तो अब क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, तो एक्स का वैल्यू क्या है, 25। एक्स इज इक्वल टू 25 डेज। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, ये इनवर्स वेरिएशन का केस है। आंसर क्या होगा, हेंस द प्रोविजन विल लास्ट फॉर 25 डेज, ठीक है। अब वर्कशीट टू सॉल्व करते हैं। वर्कशीट टू क्वेश्चन नंबर वन, इन द फॉलोइंग टेबल ए एंड पी वेरी इनवर्सली फिल इन द मिसिंग वैल्यूज। अब हम लोग को मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ईजी है, ए एंड बी है। इसमें क्या करेंगे, 7 × 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके बता रही हूँ, 7 × 8। अभी हम लोग को ब्लैंक प्लेस का वैल्यू फाइंड नहीं है, तो क्या करेंगे, x इसके प्लेस में क्या ले लिए, x इंटू ये हो गया 4। अब 4 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 4 डिवाइड में चला गया, ठीक है। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, तो x का वैल्यू क्या रहा है, 14, ठीक है। तो x के प्लेस में क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं, अभी नेक्स्ट नंबर हम लोग को मालूम नहीं थी, इसके प्लेस में हम लोग क्या ले लेते हैं, वाई। क्या हो जाएगा, 14 × 4 इज इक्वल टू वाई इंटू 28। 28 को ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवाइड में चला गया, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2 2 जा 4, तो वाई का वैल्यू क्या रहा है, 2। तो वाई के प्लेस में है क्या लिखेंगे, 2। अब देखो ए की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, 7 14 28। अब बी की वैल्यू क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, 2 4 8, ठीक है। तो ये किसका, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, इनवर्स वेरिएशन का। क्वेश्चन नंबर बी एज इट इज़ सॉल्व कर देंगे, 2.5/8, ब्लैंक प्लेस में हम लोग क्या ले लेंगे, 4, सॉरी एक्स वाई ले लेंगे, 2.5 × 8 इज इक्वल टू 4 × y। अभी हम लोग को ब्लैंक प्लेस में मिसिंग नंबर मालूम नहीं, इसलिए क्या ले लिए, y, ठीक है। अब 4 को ट्रांसफ़र कर देते, 4 डिवाइड में चला गया। अब क्या होगा, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर देते, 5 2 जा 10, 0 1 आ गया कैरी, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1, तो पॉइंट लगा देते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 5, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 0.5, अभी y का वैल्यू फिर से फाइंड करना पड़ेगा, 4 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए, इज इक्वल टू 0.5 × y, ठीक है। वैल्यू भी मालूम नहीं है, अब 0.5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 4 × 5 डिवाइडेड 0.5 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना 0 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5/10। अब इसको ट्रांसफ़र कर कैसे लिखेंगे, 4 × 5/5 है, 5 हो गया, पॉइंट एलिमिनेट हो गया, 10 क्या डिवाइड में, तो डिवाइड ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू वाई, 5 2 जा 10। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 40, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, 40। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, 2.54, 0 पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया, फिर अब यहाँ क्या, 8 5 40। यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ए की वैल्यू इन दोनों में क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हुई है, लेकिन इन दोनों में ए की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है, तो बस यही करना है इसमें। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं, मिसिंग नंबर फिर से फाइंड करना है, 10 × 6 इज इक्वल टू मिसिंग एक्स लिख लेते हैं, एक्स इंटू 15, 10 × 6/15 क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र तो डिवाइड में चला गया, इज इक्वल टू एक्स। अब डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा
फोर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 4। अब नेक्स्ट मिसिंग नंबर फाइंड करते हैं, मिसिंग नंबर अभी वाई ले लेते हैं, ठीक है। 4 × 15 हो जाएगा, 4 × 15 इज इक्वल टू 12 × y, क्योंकि अभी हम लोग को वाई का वैल्यू मालूम नहीं है, 12 क्या अगर ट्रांसफ़र किए तो डिवाइड में चला गया, ठीक है, ये डिवाइड में आ गया। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 5, ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया 5। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई है 10, देन 4, a की वैल्यू क्या अगर डिक्रीज हुई तो b की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए 6, देन 15, इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है 4, 12, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ a की वैल्यू क्या हुई इंक्रीज हुई है, तो b का वैल्यू क्या आ गया डिक्रीज हो गया। इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द साइंस टीचर आस्क द स्टूडेंट फॉर क्लास 8 टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन, व्हेन 10 स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट द वर्क गेट्स फिनिश इन 3 डेज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वर्क फिनिश इन 2 डेज। अब देखो साइंस टीचर जो है वो अपने क्लास 8 के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिए, किस चीज़ का, पॉल्यूशन का। तो अब स्टूडेंट को क्या करना है, 10 स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट वर्क ऑन इट गेट फिनिश इन 3 डेज, 10 स्टूडेंट 3 डेज में क्या कर रहे हैं वर्क फिनिश कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि अगर हम लोग को उस वर्क को 2 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने स्टूडेंट लगेंगे। अब देखो हम लोग को 2 डेज में कंप्लीट करना तो स्टूडेंट हम लोग को ज़्यादा लगेंगे, तो ये किस चीज़ का हो गया, ये कौन सा केस हो गया, इनवर्स वेरिएशन का। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ईजी है, देखो गिवन प्रॉब्लम इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज रिजल्ट डिक्रीज ऑफ डे टू फिनिश द वर्क, ठीक है, स्टूडेंट का हम लोग नंबर इंक्रीज करेंगे तो क्या है वर्क डेज जो है टाइम जो है वो क्या होगा डिक्रीज होगा, तो किस चीज़ का केस हो गया, केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 10 और नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है, इसलिए क्या लिख उसके प्लेस में एक्स ले लिए, नंबर ऑफ डेज 3, ठीक है, और क्या है 10 स्टूडेंट 3 डेज में कंप्लीट करें और 2 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितने स्टूडेंट लगेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से डिवाइड, ठीक है, 10 × 3 क्या गया 30, 2x = 2x, 2 को क्या किया ट्रांसफ़र किया तो डिवाइड में चला गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, आंसर क्या आ रहा है 15, ठीक है। सो 15 स्टूडेंट कंप्लीट द वर्क इन, कितने स्टूडेंट मिलकर कंप्लीट करें, 15 स्टूडेंट कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h अ बस कंप्लीट अ जर्नी इन 4.5 आवर, हाउ मच टाइम विल द रिटर्न जर्नी टेक इफ द स्पीड इज इंक्रीज टू 45 km/h। अब क्या हो रहा है, जो बस है उसकी एवरेज स्पीड क्या है 40 km/h, यानी कि वो 1 आवर में 40 किलोमीटर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो अब अगर उसको जिस भी प्लेस में जाना है उस प्लेस तक उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है 4.5 आवर, तो अब अगर उसको वो क्या करता है अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, 40 किलोमीटर था 40 किलोमीटर/h था, अब उसको इंक्रीज करके वो क्या कर दिया 45 किलोमीटर/h, स्पीड इंक्रीज हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, तो ये कौन सा केस हो गया इनवर्स वेरिएशन का, ठीक है। 4.5 आवर था तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4.5, क्या करेंगे 2 × 4 = 8, 8 + 1 9/2, 9/2 यानी कि 9 को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 9 / 2, 2 × 4 = 8, ठीक है, 2 × 4 क्या हो गया 8, 1 आ गया 0.0, 2 × 5 = 10, कैंसिल, आंसर क्या आ रहा 4.5, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए 4.5। नेक्स्ट टाइम हम लोग को फाइंड करना है। अब देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 45 से डिवाइड करेंगे, 40 × 4.5, ठीक है, × 10। अब क्या है पॉइंट को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए क्या कर देंगे, नीचे पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं वहाँ उतने यहाँ पे 1 के बाद 0 लगाएंगे, 10 हो गया, पॉइंट एलिमिनेट हो गया, ठीक है, 45 कैंसिल हो गया, 10 × 4 = 40, आंसर क्या आ रहा है 4 आवर, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आवर, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, दिशा साइकिल टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, इट टेक हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल, इफ सी वांट टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट्स दैट व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड। दो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहे हैं कि जो दिशा है वो साइकिल, दिशा के साइकिल की स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, तो वो इस स्पीड से 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब अगर उसको 15 मिनट में अपने स्कूल क्या करना है, पहुंचना है, तो उसको कितने स्पीड से अपने साइकिल चलाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या, उसको कम टाइम में पहुंचना है तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। टाइम को अगर डिक्रीज करें तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेंगे। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, कौन सा केस हो गया, इनवर्स वेरिएशन का। अब देखो टाइम क्या था, स्टार्टिंग में 20 मिनट, नेक्स्ट में 15 मिनट हो गया, ठीक है। तो स्पीड 12 किलोमीटर पर आ था, तो नेक्स्ट में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा स्पीड, क्योंकि टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करेंगे। पहले लिख लिए 20 इंटू 12 इज 15 इंटू एक्स, ठीक है। अब 15 को ट्रांसफ़र किए, क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। आंसर क्या आ रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ 15 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 25 डेज देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन टू रिपेयर द सेम रोड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 15 मैन जो है वो 24 डेज में रोड को रिपेयर कर लेते हैं, तो अब अगर 9 मैन हैं तो वो कितने दिन में रोड रिपेयर करेंगे। अब इसमें देखो मैन जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो जो रिपेयरिंग डेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। लेट द डे एक्स, ठीक है, अभी हम लोग को डे फाइंड करना मालूम नहीं है तो क्या ले लिया, एक्स। नंबर ऑफ मैन क्या है, 15, नेक्स्ट में क्या हो गया, 9, नंबर ऑफ डेज 24, अभी एक्स हम लोग को फाइंड करना है। अब देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 इंटू 24 डिवाइडेड किया गया 9, 9 को ट्रांसफ़र कर दिया, अब 9 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 8 5 जा क्या हो जाएगा, 40। तो आंसर क्या आ रहा, 40 डेज। क्या है, हम लोग डेज फाइंड किया, एक्स क्या है, डे की वैल्यू है, 40 डेज। दे आर फोर 9 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 40 डेज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ 30 गॉड्स कैन गेज अ फील्ड इन 15 डेज देन हाउ मैनी गॉड्स विल गेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 30 गॉड हैं, बकरियां हैं, वो 15 डेज में कोई भी एक फील्ड है उसको क्या करते, गेज करते, ग्रेज करते, मतलब खा जाती हैं वहाँ पे जो भी ग्रास है, घास फूस है उसको। तो अब अगर उसी साइज के फील्ड को 10 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने गॉड लगेंगे, क्या होगा, डेज क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है, तो गॉड्स का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ गॉड 30 था, अभी नंबर ऑफ गॉड नेक्स्ट फाइंड करना है तो एक्स ले लिए, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गॉड एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द नंबर ऑफ गॉड्स इज एक्स, ठीक है। शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोग को, लॉन्ग ना हो इसीलिए, इजी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये किस चीज़ का हो गया, इनवर्स वेरिएशन का, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और गॉड क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, इनवर्स वेरिएशन का। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, नंबर ऑफ गॉड एंड नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करके फिर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। 10 को ट्रांसफ़र किए, डिवाइड में चला गया, ठीक है, 10 3 जा 30, 15 3 जा 45, एक्स क्या है, गॉड्स, तो 45 क्या हो जाएंगे, गॉड्स, ठीक है। दे आर फोर 45 गॉड्स कैन ग्रेज होगा, ठीक है, अ फील्ड इन 10 डेज, ठीक है, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
कंस्ट्रक्टर विथ अ वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन 9 months ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर्स ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 months हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब. अब क्या बड़ा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, 420 मैन की हेल्प से जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 9 months में वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है. तो अब अगर उसको 7 months में कंप्लीट करना है तो उसको क्या करना होगा, वर्क फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग को वर्क क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना. अब वर्क फोर्स इंक्रीज करने के लिए हम लोग को मैन, अभी 420 मैन है तो अब इसमें इंक्रीज करना होगा. अब इसमें हम लोग को ये फाइंड करना है कि कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं जॉब कंप्लीट करने के लिए. तो अभी देखो क्या करेंगे, लेट द वर्क टू बी डन बी एक्स, ठीक है. अभी हम लोग को मालूम नहीं कि मैंस कितने हैं तो एक्स ले लिए, ठीक है. 420 इंटू 9 हो गया, एक्स इंटू 7, 7 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7 6 42, 7 0 0, 16 × 9 के तो क्या हो रहा है, 540 x. तो कितने मैंस लग रहे हैं, 540 मैन, ठीक है. अगर 7 months में कंप्लीट करना है तो हम लोग कितने वर्क फोर्स लगेंगे, 540. अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला, इधर देखो, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन, अब हम लोग को एक्स्ट्रा मैन फाइंड करना है, तो एक्स्ट्रा मैन कितने हुए, तो एक्स्ट्रा मैन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 540, अब क्या करेंगे, 440 में 420 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अब हम लोग को एक्स्ट्रा मैन फाइंड करेंगे, तो 540 माइनस 420 किया, ठीक है, 0 0 0 हो गया, 4 - 2 2, 5 - 4 1, तो कितने एक्स्ट्रा मैन हो रहे हैं, 120 एक्स्ट्रा मैन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया. अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, उदय कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज इफ़ ही रीड 18 पेज एवरी डे, हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू फिनिश इट इफ़ ही रीड 15 पेजेस एवरी डे. उदय जो है वो क्या करता है, 25 डेज में बुक फिनिश करता है, 25 डेज में बुक फिनिश करता है, क्योंकि वो डेली कितने पेजेस कंप्लीट करा था, 18 पेज. अब अगर वो डेली 15 पेज रीड करता है तो उसको क्या कितने टाइम लगेंगे कंप्लीट करने में बुक, देखो 18 पेज था, फिर नेक्स्ट क्या गया, 15 पेज, क्या गया, वैल्यू डिक्रीज हुआ, तो डे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज 25 था, अभी नंबर ऑफ डेज हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ पेज 18 देन 15. तो अब क्या करेंगे, सिंपल है, सब में यही हम लोग को करना है, क्या करेंगे, अगर इसको x और इसको y लेते हैं तो x इंटू y इक्वल x इंटू y, ठीक है, x इंटू y कर लिए, ठीक है, y को ट्रांसफ़र करें तो y डिवाइड में चला गया, 5 3 = 15, 5 5 = 25, ठीक है, 3 6 = 18, तो 5 6 = क्या हो जाता है, 30. एक्स क्या है, डेज, तो 30 डेज, ये हो गया हमारा आंसर. ईजी है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करने. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 40 बुक्स, ठीक है, इच कॉस्टिंग 125. अब देखो शॉपकीपर के पास क्या, 40 बुक्स हैं, और एक बुक का कॉस्ट क्या है, ठीक है, वन बुक का कॉस्ट क्या है, 125 रुपीज. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बुक में अगर उसको 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है तो वो कितने बुक्स बाय कर सकता है. अब इसमें क्या करेंगे, देखो अभी हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, अमाउंट फाइंड करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं बताया है. इसमें क्या बोला है कि जो शॉपकीपर है वो 40 बुक्स बाय कर सकता है, उसके पास इतने पैसे हैं, और वो पर बुक कितने का है, 125 रुपीज़ का. तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो 40 × 125 क्या हो जाता है, 5000 रुपीज़, ठीक है. अब अमाउंट फाइंड कर लिए, और अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, जब वो बाय करने जाता है, ख़रीदने जाता है, तो उसको 25 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, तो 100 में हम लोग 25 का डिस्काउंट करेंगे, तो 100 - 25 करेंगे तो सॉरी 125 - 25 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 100, ठीक है.
डिस्काउंट में, डिस्काउंट होने के बाद रुपीज़ कितना हो गया, 100 रुपीज़। तो अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि वो कितने बुक बाय कर सकता है। तो कितना कर सकता है, टोटल अमाउंट को 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 100 5 या 500 100 0 0, या फिर क्या कर सकते हैं इसको सिंपल फॉर्म में, 5000 डिवाइडेड 100 है, ठीक है, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, क्या आ रहा है, 50 50 बुक्स। ईजी है, पहले अमाउंट फाइंड करोगे, फिर उसका डिस्काउंट फाइंड करोगे, उसके बाद अमाउंट और डिस्काउंट को डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या हो गया, 50 बुक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, 6 pumps वर्क वर्किंग टुगेदर एम्प्टी अ टैंक इन 28 मिनट्स। 6 pump जो है वो एक साथ जब वर्क करता है तो वो टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी यानी कि खाली कर देता है, 28 मिनट में। अब बोल रहा है कि अगर हम लोग कितने पंप यूज़ करते हैं, 4 pump, तो अगर 4 pump हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कितने टाइम पे जो टैंक है वो खाली हो जाएंगे, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पंप की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 6 था 4 हो गया, तो मिनट क्या होगा, इंक्रीज होगा, 28 था तो मिनट अब इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब देखो, नंबर ऑफ पंप स्टार्टिंग में 6 था, नेक्स्ट क्या हो गया, 4, टाइमिंग 28 था, तो अभी वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन का ये केस है। तो अब क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई यानी कि 6 into, देखो एक्स इंटू वाई, 6 into 28, अब यहाँ पे भी क्या हो गया, वाई इंटू एक्स लिखे हम लोग, ठीक है, तो 4 into x, ये लिखने की ज़रूरत है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझाने के लिए ये लिख रही हूँ मैं। अब क्या है, 4 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, 7 6 जा 42, एक्स क्या था, टाइम इन मिनट, तो 42 क्या हो जाएगा, मिनट, ये हो गया आंसर, कितना टाइम लगेगा, 42 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 per kilometer कवर अ सर्टन डिस्टेंस इन 4.8 hours, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 hours। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेन जो है वो 75 km/h की स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो वो कितने टाइम में अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4.8 hours में। तो अब अगर वो 3 hours में उसको कंप्लीट करना है सेम डिस्टेंस, तो उसको अपनी स्पीड क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो स्पीड एंड टाइम ले लिए, ठीक है, अब क्या एक्स इंटू वाई कर लिए एंड एक्स इंटू वाई, अब 3 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखो पहले पॉइंट को एलिमिनेट करते हैं, पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, 4.8 है, 48 लिख लिए, ठीक है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है 1 के बाद हम लोग उतना 0 ऐड करते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 0 ऐड कर लिए, तो 48/10 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्या आ रहा है, 24 into 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 0 2 आ गया कैरी, 5 2 जा 10, 10 plus 2 12, क्या आ रहा है, 120 क्या है स्पीड, तो क्या आ जाएगा, 120 km/h, ठीक है। सो हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 120 km/h टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 hours, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अ गार्सन इज 120 men हैज प्रोविजन फॉर 30 days, एट द एंड ऑफ 5 days 5 more men ज्वाइन देम, हाउ मैनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन। अभी हम लोग ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व किए थे ना, एज इट इज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, 120 men को हम लोग प्रोविजन सेंटर में डाले हैं, ठीक है, कितने दिन के लिए, 30 days के लिए, लास्ट 5 days में 5 more men ज्वाइनिंग बोल रहा है, ठीक है, लास्ट 5 days में 5 और लोग उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, यानी कि 120 थे, 5 और उसमें ऐड किए थे, क्या हो जाएगा, 125, ठीक है, तो 125 में 5 men ऐड करते थे, क्या हो जाएगा, 125 men, डे बोला है 30 days। अब हम लोग को इसमें डे फाइंड करना है कि 125 days जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन 120, नेक्स्ट में 5 डेज में 5% ऐड हो गए तो क्या हो जाएगा 125. 120 प्लस 5 क्या होता है, 120 प्लस 5 125, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या होगा, 125. लेट द नंबर ऑफ डे एक्स, अभी हम लोग को मालूम नहीं है तो एक्स ले लिए, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई इक्वल एक्स इंटू वाई. 120 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स. 125 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 25 वन जो 25, 25 फाइव जो 125, 5 से कर देते 5 टू जा 10, 5 फोर जा 20. आंसर क्या रहा है, 24 डेज. हैंस द प्रोविज़न विल लास्ट ऑफ 24 डेज, 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो वर्कशीट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है. अगर आप लोग को वर्कशीट 2 अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.